मन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल जनरल टॉक्स विद छवि। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप ये करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये तो आपके साथ भी ना इंसाफी होगी और मेरे साथ भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दें, बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर दें, जिससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप चाहे तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और सिमसिम स्टोर पे भी हूँ, तो आप चाहे तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो लाइक और सेव कर सकते हो। तो चलिए आज बात कर लेते हैं बैक की, जो हमारे हाथों पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं हाथ के ऊपर उम्र से पहले। देखोगे स्किन एकदम सिकुड़ी सिकुड़ी सी अजीब सी हो जाती है, रूखी और बेजान। वो तो कुछ हमारी गलती की वजह से भी होता है कि हम केयर नहीं करते। सबने फेस के ऊपर तो बॉडी फेस के ऊपर तो मॉइस्चराइजर और क्रीम लगा लेते हैं लेकिन हाथ को भूल जाते हैं। तो जब भी आप नहाते हो, शावर लेते हो, उसके बाद बॉडी लोशन जरूर लगाएं, हाथ के ऊपर भी, पैर के ऊपर, पैर में भी जरूर बॉडी लोशन लगाएं, पूरा केयर करो। तो आपके हाथ कभी उम्र से पहले मतलब रिंकल्स वगैरह की परेशानी आपके हाथ में नहीं होगी। हाँ, बहुत सारे लोगों का मैसेज आएगा, मैम आपने थंबनेल में तो 3 to 4 days, 4 दिन बोला था कि 4 दिन में आपके रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। पूरा थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, ये हमारी परेशानी है एक यूट्यूबर की। अगर थंबनेल को थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं बनाऊँ तो आप इस समय मुझे नहीं देख रहे होते। लेकिन हाँ, वापिस अगर आपके हाथों में एकदम बेजान हो गई या रूखी बेजान रिंकल्स आ गए तो ये पैक वाकई मिरेकल साबित होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। यानी कि 7 days में आपको लगेगा कि आपकी स्किन में बहुत फर्क आया है, बहुत बेहतरीन पैक है। आपको बस 7 days में आपको विजुअल रिजल्ट दिखेगा, 30 to 40% लगेगा कि आपके हाथ के रिंकल्स जो है वो कम आ गए हो गए हैं। तो बस आपको लगाना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। बहुत इजी है इसको लगाना। जब भी आप शावर लेने जाते हो, जब भी आप बाथरूम में नहाने जाते हो या फिर छोड़ दो नहाने में, सिर्फ अभी ठंडी का मौसम है तो भाई का ही होगी कि फटाक से बाथरूम में जाओ और शावर लेके आ जाए, है ना, तो ये परेशानी होती है। तो कोई बात नहीं, जब आपको लगे कि आपका काम खत्म हो गया है और अभी आप फ्री हो तो उस टाइम में आप इसको अपने हाथ में लगा लें। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, आपको मॉर्निंग में ही लगाना है, नाइट में लगाना है, आफ्टरनून में लगाना, कभी भी जब भी आप फ्री हो इसको आप अपने हाथ के ऊपर लगा लें। दोनों, मैं तो बोलूँगी यहाँ तक क्यों लगाना है, यहाँ यहाँ तक लगा लो ताकि आपके पूरे हाथ खूबसूरत हो जाए और इससे ग्लो भी आएगा। मीन्स अगर आपके हाथ की रंगत कम हो गई है ना, अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ की रंगत कम हो गई है तो उसको भी ये फेयर करने वाला है और रिंकल्स के ऊपर तो काम करने ही वाला है। तो पूरे हाथ में आप इसे लगा लें, हल्का मसाज करें, यानी कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ मसाज नहीं करना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करना है। ऐसे मसाज करना है तकरीबन 1 to 2 minutes तक आपको अपने हाथ पे मसाज करना है। मसाज करने के बाद जो है सो आपको इसको अपने हाथ के ऊपर लगे छोड़ देना है, कम से कम 10 to 15। अभी मैं देखिए, मैं अभी जस्ट अभी लगाई हूँ इस हाथ में और इस हाथ में बहुत फर्क लग रहा है, ये हाथ पे ग्लो है, जबकि मैं सिर्फ 1 minute मसाज की हूँ और वॉश कर ली हूँ। बहुत फर्क आया, ये हाथ बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ये हाथ पूरा पूरा दिख रहा है मेरा, बहुत बेहतरीन पैक है ये। तो आपको 1 to 2 minutes तक आपको मसाज कर लेना है, मसाज करने के बाद आपको क्या करना है इसको छोड़ देना है अपने हाथ पे लगे हुए। उसके बाद जो है जब ये सूख जाता है उसके बाद आप नॉर्मल जो आप शावर लेते हो गर्म पानी से या फिर नॉर्मल पानी से, जैसे भी आपको धोना है वैसे आप उसको धो ले। अगर आप वार्म वाटर से धोते हो, अगर गूंदे पानी से धोते हो तो सर्दी का मौसम है थोड़ा अच्छा भी लगेगा और अगर हाथ पे अगर दर्द वगैरह है तो वो भी कम हो जाएगा, इसकी भी परेशानी दूर होगी। उसके बाद जब इसको वॉश कर लेते हो तो आराम से बिना भूले हुए आप जो भी बॉडी लोशन यूज़ करते हो उसको जरूर लगा लें, उससे जो है आपकी हाथ की खूबसूरती और बढ़ जाने वाली है। तो चलिए आगे चल के देखिए कि इसको बनाते कैसे। और अच्छा, अब आप पूछेंगे कि इसको लगाते कैसे और वीक में इसको बनाने के बाद स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, यही कमेंट आता है ना, तो मैं ये भी बता देती हूँ। तो इसको आपको डेली बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करके बना करके जो है ना आप आराम से 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आराम से रूम टेम्परेचर में 2 दिन तक जाएगा। कवर करके रख देते हो तो कांच के बाउल में या किसी चीज़ में, लेकिन अगर फ्रिज में अगर एक बार बना करके रखना चाहते हो तो
फ्रीज में आराम से ये 4 से 5 दिन तक स्टोर होगा। रोज रोज बनाने की परेशानी भी आपको नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की उम्र 2 साल है और उसके हाथ पैर जो है सो कि रिंकल्स की परेशानी को तो दूर करेगा ही, लेकिन अगर लग रहा है कि आपके हाथ पैर बच्चे की रंगत जो है सो कि हाथ पैर का कम हो गया है, तो आप आराम से उसको भी आप जो है उबटन के तौर पे लगा दो और हल्का मसाज करके वॉश कर दो, तो आपके बच्चों के जो हाथ पैर में जो रंगत कम हो गया है ना वो भी साफ हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन है ये, और इसको वीक में आपको लगाना है डेली। अभी आप अभी डेली इसे लगाएं, जब आपको लगे कि आपके रिंकल्स बहुत कम हो गए, आपके हाथ का रंग बहुत अच्छा हो गया, तब आप वीक में इसको 3 डेज तक कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भूलना मत, मैं आके पूछने वाली हूँ फिर। बाय बाय। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बेसन, जो अपना नॉर्मल जो बेसन होता है वो है, वो आपको ले लेना है। और वाकई आपको 7 डेज में आपके हाथ पे और जो आपके हाथों पे जो रिंकल्स की परेशानी हो गई है ना, वो 7 डेज में आपको लगेगा कि आपके रिंकल्स जो है बहुत हद तक कम हो गए। थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं बनाऊँ तो इस समय आप हमें मुझे नहीं देख रहे होते। लेकिन वाकई 7 डेज में, एक दिन में तो मिरेकल नहीं होता है, लेकिन 7 डेज में आपको लगेगा कि आपके हाथ का जो रिंकल्स है बहुत हद तक कम हो चुका है। तो आपको अगर, क्योंकि अभी मुझे आपको दिखलाना है इसलिए मैं 1 स्पून ही ली हूँ, लेकिन अगर आपको दोनों हाथों के ऊपर ये पैक को लगाना है तो आप 4 स्पून काफ़ी होता है। तो अगर आप 4 चम्मच अगर आप बेसन लेते हो ना, आप क्वांटिटी सुन लो एकदम आराम से, अगर 4 चम्मच 4 स्पून अगर आप लेते हो बेसन, तो आपको ले लेना है 1/2 स्पून जो है आपको सॉल्ट लेना है। अगर 4 स्पून, अगर 4 चम्मच बेसन लेते हो तो आपको 1/2 स्पून ले लेना है नमक, ठीक है। उसके बाद जो आपको 3rd इंग्रेडिएंट लेना है वो है शुगर, यानी कि शक्कर, जो अपना घर में जो नॉर्मल जो चीनी खाते हैं वो है, और ये भी मैं ले रही हूँ 1/2 स्पून। ये बारीक किया हुआ शक्कर शुगर है, इसको आपको बारीक कर लेना है अच्छे से पहले। तो ये मैं ले ली हूँ, 3rd इंग्रेडिएंट मेरा ये है। 4th जो इंग्रेडिएंट है वो है कस्तूरी हल्दी। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप आराम से किचन हल्दी ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मेरा 4th इंग्रेडिएंट ये हो गया। उसके बाद आपको मिक्स किसके साथ करो, तो मैं मोस्टली मिक्स जो करती हूँ, अगर कोई भी एंटी जो है सो कि एंटी एजिंग पैक बनाती हूँ या फिर कुछ बनाती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो अपना बॉयल जो राइस जो वाटर होता है ना, मतलब चावल का जो पानी होता है, चावल पकाते हैं उसके बाद जो पानी होता है वो ले लूँ, जिसे माड़ बोलते हैं, और राइस वाटर जिसे बोलते हैं वो ले लूँ। तो मैं ले रही हूँ 1 स्पून राइस वाटर। आप चाहे, अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत टफ है, ये बनाना राइस वाटर वगैरह बहुत टफ है, तो कोई बात नहीं है, आप आराम से जो है इसको दही के साथ या फिर दूध के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ जो है आप इसको मिक्स कर सकते हो। तो आपको अच्छे से कर लेना है मिक्स। क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप 8 स्पून लेते हो, 8 चम्मच लेते हो, तो पूरा 1 स्पून जो है आपको ले लेना है नमक, और 1 स्पून ले लेना है आपको शुगर। लेकिन अगर आप 4 स्पून लेते हो तो 1/2 स्पून ही काफ़ी है। अभी ये देखिए, ये बनके जो है सो कि रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ पे मीन्स ऐसे मसाज करते हुए, जैसे कि ये हो गया, आपको ऐसे मसाज करना है हल्के हाथों से, इसको अपने दोनों हाथों के ऊपर मसाज करना है। नीचे की तरफ आपको नहीं मसाज करना है, ऊपर की तरफ आपको मसाज करना है, यानी कि नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि रिंकल्स जब आते हैं तो ऐसे नहीं, आपको ऐसे मसाज करना है। और मसाज करने के बाद क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ के ऊपर इसे लगा छोड़ देना है तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए, 15 से 20 मिनट तक इसको आपको लगे छोड़ देना है। जब ये सूख जाता है, उसके बाद आप जो है सो कि अपने हाथ को वॉश कर लें, हैंड को वॉश कर लें। हाथ धोने के बाद जो भी आप मॉइस्चराइजर और क्रीम, आप बॉडी लोशन जो भी आप लगाते हो, पक्का लगाएं बॉडी लोशन, थोड़ा अपने हाथ की केयर करो, आपके हाथ वाकई खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत दिखेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।
जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी और हर हर चीज़ हमारे किचन में ही अवेलेबल है। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।